हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दीपक दी आखन्ना ब्लॉग्स तो आज मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले आप लोग बोलते हैं कि आप अपने जो सब्जी वगैरह है उसमें कुछ भी नहीं डालते ना अदरक लहसन ना खड़े मसाले तो देखिए मैंने ना कुछ कुछ मसाले ले लिए हैं क्योंकि सर्दियों के टाइम पर तो थोड़ा सा चल जाता है इस तरीके के गर्म मसाले खाना तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इस छोटी वाली डिब्बी में जो मैं लेकर आई थी नेहा के घर के पास है और ये दस रुपये की डिब्बी थी इसमें चार कंपार्टमेंट में थे तो ये सारे जो मसाले हैं ना ये दस रुपए के एक थे कल घर के आगे ही बेचने वाले आए थे भैया तो उनसे ही मैंने ये सारी चीजें खरीदी थी फटाफट से इसमें भर रही हूँ कुछ के नाम मुझे पता है कुछ के नहीं पता तो एक डिब्बी में मैंने लौंग रखी है एक में दालचीनी रखी है बड़ी इलायची रखी है और एक पे पता नहीं क्या था वो लाल लाल सा रस्सी रस्सी टाइप और ये मेथी दाना लिया है अजवाइन ली है दियू की कुछ चीजें वगैरह थी वो खरीदी थी और आज वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट मोड में है तो आज जल्दी जल्दी मुझे भी बोलना पड़ रहा है इसके बाद मैं लग गई थी खाने पीने की तैयारी में मुझे जाना है आज मार्केट तो मैंने सोचा कि दोपहर की सब्ज़ी अभी से ही बना लेती हूँ ताकि फिर आके एकदम से रसोई में ना लगना पड़े और दीव को ना मैं सीधा स्कूल से ले कर क्योंकि क्या है ना फिर दिक्कत होती है ध्यान उसी में लगा रहता है मेरा दिया में कि उसकी छुट्टी हो जाएगी उसको कौन लेकर आएगा मामा उसके लेकर आ जाते हैं फिर भी थोड़ा सा रहता है ना बच्चा भी इंतजार करता है स्कूल की छुट्टी कब हो कब मम्मी से मिले तो बस यहाँ पर जो है मैंने कद्दूकस कर लिया है घिया फिर उसके बाद इसमें बेसन डाल दिया बेसन डाल दिया और नमक लाल मिर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर बस ये सब मैंने इसमें डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करते करते ही ना इसमें से थोड़ा सा और पानी निकलेगा उससे ही हमारा अच्छा सा ये बैटर बन जाएगा पकौड़ों का तो मैंने छोटी वाली कढ़ाई जिसमें मैंने सुबह नाश्ता बनाया था दिया के लिए उसमें ही जो है ऑयल डाल लिया मस्टर्ड ऑयल जैसे ही पक गया उसके अंदर मैंने ये कोफ्ते डालने स्टार्ट कर दिए बहुत थोड़ा सा मैं बना रही हूँ कोफ्ते बिकॉज आधा खराब निकला और बाकी का जो बचा था जितना जितना सही था वो मैंने निकाल के बना लिया है कुफ्ता तो यहाँ पर मैं इसको अलटती पलटती भी रहूँगी साथ के साथ मैं बर्तन भी धो रही हूँ काम बहुत सारे हो जाते हैं सुबह के टाइम में और साथ साथ करती रहती हूँ और ऊपर से आज मार्केट भी जाना है तो ध्यान उधर भी है तैयार भी होना है छत पर कपड़े भी डाल के आने हैं बहुत सारे काम हैं तो देखिए मैं बर्तन भी साथ के साथ धोती जा रही हूँ और हमारे पकौड़े जो हैं वो भी बनते जाते हैं जा रहे हैं जाते नहीं जा रहे हैं और आजकल मैं पता नहीं क्यों जो जो बोलती हूँ ना थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन सा रहता है मैं थोड़ा फबल सी हो जाती हूँ यहाँ पर मैंने जब तक हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं सोचा कि चलो मसाला भी तैयार कर लेती हूँ तो प्याज मैंने काट के डाल लिया है इसके अंदर फिर उसके बाद इसमें डालूंगी टमाटर टमाटर दो डालूंगी प्याज जो है मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है और टमाटर डालने के बाद जो है मैंने सोचा कि ये जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं गैस मैंने बंद कर दी है और उनको निकाल लूँगी एक प्लेट में थोड़े से ज़्यादा डार्क हो गए लेकिन बिल्कुल भी जल नहीं पाए हैं अच्छे से हो गए हैं कोफ्ते मतलब लग रहे हैं कि हाँ ये कोफ्ते हैं फिर इसके बाद जो है टमाटर मैंने इसमें और डाल दिया काट के और आज मैं लहसुन भी डाल रही हूँ अदरक तो नहीं डालूँगी अदरक मैं घर में रखती भी नहीं हूँ लहसुन जरूर रखती हूँ दाल वगैरह में कभी छौका लगाती हूँ ना तो लहसुन डाल देती हूँ तो आज मैं लहसुन भी डाल रही हूँ तीन चार गलिया लहसुन की डाल दूंगी तो आपकी जो शिकायतें हैं वो भी दूर हो जाएगी वैसे तो मुझे पता है कि लहसुन खाना अच्छा होता है मेरी मम्मी जितना भी खाना बनाती है मेरी बहन जितना भी खाना बनाती है ये सारी चीज़ें डाल के ही बनाती है और मुझे खाने में कोई ऐतराज़ भी नहीं है बाकी मेरे ससुराल में कोई नहीं खाता था तो यहाँ पर फिर मेरे को आदत भी नहीं रही खाना बनाते वक्त ये सब डालने की तो इसके बाद मैंने जो है मसाला पीस लिया था तेल जो है गरम था ये ऑलरेडी पका भी हुआ था तो यहाँ पर मेरे को मसाला डालने के बाद इसमें मसाला करी क्या डाला था मैंने प्याज टमाटर लहसुन डालने के बाद इसमें मसाला डालना स्टार्ट कर दिया है जैसे कि नमक लाल मिर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर रंग वाली मिर्चें सब्जी मसाला ये सब डाल के अच्छे से इसको चला देंगे तो वही सारा मेथड है जैसे सब्ज़ी बनती है हमेशा की तरह थोड़ा थोड़ा तरीका डिफरेंट हो जाता है सबके बनाने का लेकिन मसाले तो वही पड़ते हैं चाहे आगे पीछे करके डाल लो मतलब जैसे मसाला डालने से पहले तेल में मसाले डाल लो या बाद में मसाले डालो बात तो वही पड़ती है ना टेस्ट तो मसालों से आता है तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया है आपको भी पता चल रहा होगा कि मसाला अच्छे से भून चुका है फिर हम क्या करेंगे मसाले में जो है हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ये देखो तेल छोड़ने लगा है मसाला तो इसमें हम थोड़ा 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 करके पानी ऐड करेंगे पानी को अच्छे से पका लेंगे मतलब ग्रेवी अच्छी सी बना लेंगे फिर उसके बाद उसमें कोफ्ते ऐड करेंगे तो ये सब्जी ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बन गई थी क्योंकि एक तो मैं बनाती थोड़ी सी हूँ और ऊपर से जल्दी भी बन गई थी जब जल्दी जल्दी कोई चीज़ बनाओ ना तो वो जल्दी ही बन जाती है और फिर कोई मत कहना कि मैं जल्दी में काम करती हूँ मैं सच में जल्दी में काम करती हूँ मुझे रहती है जल्दी मैं हमेशा जल्दी से काम निपटाने की सोचती हूँ और मेरा हो भी जाता है तो यहाँ पर जो है मैंने ग्रे ग्रेवी अच्छे से तैयार कर लिया खूब पका लिया था मैंने इसको और इसके अंदर मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं कोफ्ते डालते ही ना हाँ लग रहा है कि ये ग्रेवी है वरना मुझे अभी तक लग नहीं रहा था कि ये क्या बन रहा है तो कोफ्ते डाल के भी मैंने थोड़ी देर और पका लेना है तब तक मैं इसमें धनिया भी ऐड कर देती हूँ और इसको दो से तीन मिनट तेज आंच पे पकाऊंगी वैसे तो काफ़ी मतलब सही हो गई है अभी कोफ्ते डालने के बाद जैसे थोड़ी ठंडी होएगी ना तो और जो है हमारी ग्रेवी कम हो जाएगी तो आ जाइए आप लोग भी कोफ्ते की सब्ज़ी खा लीजिए घी के कोफ्ते की सब्ज़ी कैसी लग रही है बताना कमेंट करके और आज आप लोग लंच में क्या बनाने वाले हो मुझे भी बताना छत पे कपड़े डालने के लिए कल लगाई थी मशीन कुछ कपड़े तो कल ही सूख गए थे ऊपर डाल दिए थे दोपहर में लगाई थी ना इस वजह से बस एक ही बार ऊपर कपड़े डाल पाई फिर उसके बाद धूप चली गई थी तो अभी कपड़े डाल देती हूँ अभी बच रहे हैं साढ़े दस अभी मेरा काम निपट गया मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है बस नीचे जाके मुझे पोचा लगाना है फिर तैयार होकर जाऊंगी मम्मी के पास और आज दिया की हो जाएगी जल्दी छुट्टी सैटरडे को ना जल्दी छुट्टी हो जाती है बारह बजे एक घंटा पहले हो जाती है और जब भी मैं छत पर चढ़ती हूँ तो एक बार अपने इस वाली छोटी वाली छत से नीचे का नजारा जरूर देखती हूँ वैसे तो बैठी हुई थी अभी दिया को स्कूल से छोड़ कर आने के बाद थोड़ी देर बाहर ही बैठी हुई थी क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं था आज बहुत सारे काम जो है कल ही निपट गए थे मेन काम तो कपड़े धोने का था तो बस यहाँ पर छत साफ साफ थी थी ना अच्छा लग रहा था और मेरी ये ना चरपाई बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है राखी ने ही यूज़ करी है जितनी करी है उसके बाद तो ये यूज़ ही नहीं हो पाई और नीचे इतनी जगह नहीं है कि इसको बिछा लो बैठ जाओ इतनी जगह है नहीं स्कूटी वगैरह भी लगाती हूँ ना अब आंगन में शेड के नीचे इस वजह से तो यहाँ पर मैंने ना ये भी डाल दी थी एक तो खेस है एक कम्बल है जो ऊपर वाले ग्रिल पर डला हुआ है ये मतलब अभी सर्दियों के टाइम पर जब अंगीठी वगैरह जलाएँगे तो नीचे बैठने के काम आता है है अभी हम चलते हैं नीचे इतने दिन से मैं आपसे बोल रही हूं कि मैं दिखाऊंगी मैं नया के घर से कुछ गोल्ड का लेकर आई हूं तो फाइनली चलो दिखा देते हैं जब पहनूंगी तब पहनूंगी अभी आप देख लीजिए ये देखिए प्यारी से डिब्बी है ये थैला भी जो है वहीं से मिला है और ये पर्स भी वहीं से मिला है ओपन कहाँ से होगी यहाँ से होगी शायद नहीं यहाँ से होगी तो इसको हम खोल के दिखा देते हैं लाइट बहुत कम जली नहीं अब जल गई अच्छे से तो मैंने लिए हैं ये गोल्ड के ईयर रिंग्स पता नहीं आपको लाइटिंग में अच्छे से दिख पा रहे हैं नहीं अच्छे से नहीं देख पा रहे ये वाली लाइट बंद करती हूँ ये देखो ये मैंने गोल्ड के एयर ख़रीदे हैं ये वाला डिज़ाइन मेरे पर था नहीं और मुझे लेना था कुछ भी लेना था मतलब रिंग भी देखी मैंने वहाँ पे ईयर भी देखे तो ये मुझे समझ में आया ये पहन के ना बहुत अच्छे लग रहे थे थोड़े से ना चौड़े चौड़े से और इस तरीके से इनका कुछ लॉक है ये देखिए ये इस तरीके से इनका लॉक है मम्मी की भी पसंद है और नेहा की जो मदर इन लॉ है आंटी जी उनकी भी पसंद का है ये अच्छा लग रहा था ये ये मुझे पड़े हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड के पड़े हैं ये आप बताना कैसे लग रहे हैं और दिया ने देखो सुपर क्ले से क्या 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 बना रखा है और अपने पापा के पास रख रखा है सारा खाने पीने का सामान एक तो ये डॉल बनाई थी इसने और मैंने ये चाउमीन बनाई थी प्लेट के साथ ये देखो और ये बर्गर भी मैंने ही बनाया था और ये इसने पता नहीं क्या बनाया ये भी नहीं पता क्या बनाया मैंने ना एक बहुत सुंदर सा टैडी बनाया था इसने पता नहीं कहाँ रख दिया देखिए सुबह के टाइम पर ये टेबल कुछ इस तरीके से फैली फैली सी रहती है समेट दो तो समेट ले जाती है लेकिन इस टेबल में ना एक माइनस पॉइंट क्या है कि इसके पैर जो है ना थोड़े से मतलब बाहर को निकले हुए हैं तो ये बिल्कुल लग नहीं सकती दीवार से ना ये देखो पैर तो इसके लगे हुए हैं लेकिन ये टेबल नहीं लग पाती तो इस वजह से सामान इसमें कोई भी रखो पीछे गिर जाता है साइड में गिर जाता है ना तो इधर बेड से लग पाई ना उधर दीवार से लग पाई और बाहर पता नहीं कौन क्या बेचने आया है अब अजीब सी आवाज आ रही है तो इस वजह से ना इस जगह के लिए मैं कुछ टेबल वगैरह लेना चाहती हूँ और आज लेने ही जा रही हूँ मैं मम्मी के संग वो ही लेने जा रही हूँ तो थोड़ा सा तो इसको ऑर्गेनाइज कर ही देते हैं अभी हो जाती है जल्दी हो जाती है ये कल ना रिमोट नीचे गिरा था तो इसका ढक्कन बैठ के नीचे चला गया था अभी मैंने झाड़ू लगाई ना तो अभी निकल के लगा देती हूँ सही है तो इसकी टेबल लेने जा रहे हैं और आप लोग भी चलो साथ में ठीक है चलो चलते हैं